खरगोन के भगवानपुरा में शुक्रवार को हिंदू युवा जनजाति संगठन द्वारा पिपल जुवा से सिरवेल महादेव तक कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज जन शामिल हुए। भक्ति गीतों पर युवा भगवा पताकाएं हाथों में लिए जमकर थिरकते नजर आए। वहीं कावड़ यात्रा का जगह जगह स्टॉल लगाकर स्वागत किया गया। भगवानपुरा में बोल बम के नारों से पूरा वातावरण गूंज गया। श्रद्धालुओं ने पीपल झोपा से पैदल कावड़ यात्रा लगभग 25 किलोमीटर स्थित सिरवेल धाम को जाकर वनांचल की सुरमय पहाड़ियों में बसे बाबा महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाया। बता दें, संगठन द्वारा श्रावण माह में पहली बार कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया था। आयोजन में हिंदू युवा जनजाति संगठन के प्रदेश संगठन प्रमुख व प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा जिला मंत्री सहित बड़ी संख्या में संगठन के युवा मौजूद रहे। ये आदिवासी गाँव वाले सभी इकट्ठे होते हैं, सभी गाँव की कावड़ यात्रा पीपल युवा में इकट्ठे होते हैं, पीपल युवा महादेव से सिरवेल महादेव तक निकाली जा रही है। अभी श्रावण महीना जो चल रहा है, जिसमें हमारे समाज जनजाति समाज में जो हमारी आस्था है महादेव के प्रति, बाबा देव के प्रति, उसको लेकर अपनी आस्था के रूप में हम उसको जल ग्रहण के लिए वहाँ पीपल झोपा से निकले हैं और सिरवेल महादेव तक जाए। शहडोल पहुंचे प्रभारी मंत्री राम खिलावन पटेल को प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई कार में काली फिल्म लगी थी, जिसे देख मंत्री ने ट्रैफिक पुलिस को बुलाकर चालान कटवा दिया। मंत्री की इस पहल की जिले में जमकर तारीफ हो रही है। मंत्री राम खिलावन पटेल के निर्देश के बाद पहुंचे ट्रैफिक सूबेदार ने गाड़ी का चालान काट कर 500 रुपए का समन शुल्क वसूला और गाड़ी की फिल्म निकाल दी। इसके बाद मंत्री पटेल को दूसरी गाड़ी उपलब्ध कराई गई, जिस पर मंत्री राम खिलावन पटेल का कहना है कि यातायात नियमों का सभी को पालन करना चाहिए, इसलिए उन्होंने वाहन का चालान कटाया है। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय जी के लिए जिला प्रशासन द्वारा जो VIP गाड़ी उपलब्ध कराई गई थी, तो जब मंत्री जी भ्रमण पर थे तो देखा गया कि गाड़ी में जो उसके ग्लासेस हैं उसमें ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई है, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो निर्धारित मापदंड हैं उसके अनुरूप नहीं थी। माननीय मंत्री जी ने देखा और निर्देशित किया कि इस गाड़ी का चालान किया जाए, तो मैंने अपने जो यातायात के अधिकारी हैं उनको मैंने भेज करके उस गाड़ी का चालान कटवाया। इसे माननीय मंत्री जी ने ही निर्देश दिया और देखा, संज्ञान में बात आई कि इस गाड़ी में काली फिल्म लगी हुई है। कितने का जुर्माना किया गया है? 500 रुपए का समन शुल्क का प्रावधान है एक्ट के अंतर्गत, वही चालान किया गया है। गाड़ी की फिल्म हटवा दी गई है और माननीय मंत्री महोदय के लिए दूसरी गाड़ी, जिसमें जो निर्धारित मापदंडों के अनुरूप है, वो जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। नहीं, चालान हम ही ने कराया है, मुझे काले शीशे की गाड़ी में क्यों बिठाया गया जबकि सरकार से प्रतिबंधित है? नहीं, सुरक्षा का मामला उसमें नहीं है, सुरक्षा तो काले शीशे में होगी, व्हाइट शीशे में भी होगी। कानून का पालन कराने वाले ही कानून का उल्लंघन कर रहे, मामला सीधा सीधा नहीं हुआ। मुझे लगा कि काले शीशे गाड़ी मुझे नहीं बैठना चाहिए, मैं तुरंत उधर के जिलाध्यक्ष के गाड़ी में बैठ गया। कानून के प्रति निष्ठा है, उसका आदर करते हैं, इसलिए मैंने जो है देश प्रदेश कानून जो होते हैं उसके अनुसार चलता है। हमें लग रहा है कि वो उल्लंघन हो रहा है, इसलिए गाड़ी को लेते हैं। दमोह के हटा में कीचड़ और दलदल भरे रास्तों से परेशान माड़ियादों के ग्रामीणों ने पुलिस थाना का घेराव किया और पक्के रास्ते की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि रास्ता नहीं होने की वजह से गांव वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है। सैकड़ों की संख्या में थाने का घेराव करते हुए दमोह कलेक्टर के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया और सड़क निर्माण की मांग की गई। ग्रामीणों का कहना है कि वार्ड क्रमांक 11 से लेकर 15 तक सड़कों की यही हालत है। खराब सड़क की वजह से मरीजों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने में दिक्कत होती है। थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप कर गाँव वासियों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। करीबन 400-500 कुशवाहा परिवार के सभी लोग एकत्रित यहाँ पे हुए हैं, जो यहाँ पे मुंडी सुराई से भूलन माता तक और रास्ताएं हैं जो, और अन्य भी हैं, छोटी शहर कहलाती है, एक दो शहर और हैं, जो कीचड़ के दिनों में काफ़ी बरसात के दिनों में काफ़ी कीचड़ रहता है इनमें, जिनसे आवागमन में दिक्कत आती है। और कई बार तो ये हुआ कि कोई गर्भवती महिला है
और उनके तो 108 भी नहीं जा पाती वहाँ पे, और उनको कई बार कंधों पे लाना पड़ता है। वार्ड नंबर 12, 13 और 14, 15, 16 सभी वार्डों में इस प्रकार का कीचड़ नहीं, अब तो इसको हम दलदल कहेंगे। यदि हम बस स्टैंड से यदि किसी के घर पर जाने में लगभग हम 2 या 3 फुट गप जाते हैं, और किसी भी आपातकालीन कोई भी समस्या आती है, जैसे कोई महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, कोई डिलीवरी होती है, कोई बीमार होता है, तो हम लोग निश्चित रूप से उसमें पूर्ण रूप से असहमत रहते हैं। हम अस्पताल तक नहीं जा पाते हैं किसी काम से। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कई दिनों से हड़ताल पर बैठे ग्रामीण एवं पंचायत विभाग के कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। मोर्चा के पदाधिकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के आश्वासन के बाद हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी गई है। संयुक्त मोर्चा के नागेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया है कि पंचायत मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आगामी 20 दिनों के अंदर संयुक्त मोर्चे की मांगों पर विचार कर संभावित मांगे पूरी की जाएंगी, जिसके बाद हड़ताल खत्म कर दी। देखिए, विगत 15 दिवस से जो हम संयुक्त मोर्चा का जो है धरना आंदोलन चल रहा था, उसके लिए कहीं ना कहीं शासन वास्तव में पहले दौर में पर तो जो है कार्रवाई पर उतारू था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारे जो विभागीय मंत्री हैं महेंद्र सिंह जी सिसोदिया ग्रामीण पंचायत विकास विभाग के, उनके द्वारा पहल की गई और सार्थक चर्चा हुई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि प्रदेश में जो है अभी कहीं 10 से 12 जिले बाढ़ग्रस्त हैं, उन चीज़ों को ध्यान रखा जाकर अभी शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं से लोग वंचित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको 15 से 20 दिवस का जो है समय आप लोग दीजिए, और मुख्यमंत्री जी से जो है हम चर्चा कर कर आपकी मांगों को जरूर जो है बराबर पूरा करवाएंगे। बड़वानी के ठिकरी में एक शराबी बरुफाटक पुलिस सहायता केंद्र के सामने जमकर ड्रामा करता रहा। वो बीच सड़क पर लेटकर लोगों को गालियां देता रहा। राहगीरों को तो इससे समस्या आती ही रही, वाहन चालकों के भी एक्सीडेंट का खतरा बना रहा। ग्राम बरु फाटक में एक शराबी पुलिस सहायता केंद्र व शाला प्रांगण के सामने रोड पर घंटों शराब के नशे में पड़ा रहा। वो लोगों को जमकर गालियां दे रहा था, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वहीं वाहन भी शराबी के आसपास से गुजरते रहे, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रही। जबकि पुलिस सहायता केंद्र पर डायल 100 नहीं होने से ग्रामीण लंबे समय तक स्वयं ही शराबी को मार्ग से हटाने में असफल प्रयास में नजर आए, पर शराबी के निकट पहुंचने पर शराबी लगातार गालियां देता रहा, जिससे कोई भी शराबी के करीब नहीं गया। हालांकि इतने हंगामे के बाद भी व्यक्ति की अब तक पहचान नहीं हो पाई है।